हमारे कबीले की इज्जत पर हाथ डाली है, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। उसे बाहर निकालो, जिंदा की देंगा। चिंगोरा 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 सरदार सांगे, हम इसकी बॉडी बॉडी कर देंगे। तो आज यहां से बचकर नहीं जा सकता, उसे बाहर निकालो। अच्छा, तो उस परदेसी ने तुझे बोलना भी सिखा दिया? सरदार, ये लक्षण अच्छे नहीं है। कबीले की लड़की, वो भी परदेसी के संग, और वो भी इतनी रात को। तुझे कबीले में वापस चलना है कि नहीं? नहीं, पहले जंगा को इनके हवाले करो। जंगा को? किस लिए? किस लिए? ये हम अभी बताते हैं। चंदा ने इसका खून किया है और इसका सबूत है ये हथियार। ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया। सरदार, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। झिंगोरा नाग देवता की सौगंध, सरदार ये झूठ बोल रही है। हाँ सरदार सांगे, नाग देवता की सौगंध खाकर कबीले का कोई भी आदमी झूठ नहीं बोल सकता। तांत्रिक ठीक कह रहे सरदार, अगर ये खून झिंगा ने नहीं किया तो ये हथियार यहाँ कैसे आ गया? हथियार मेरा नहीं है। फिर किसका है ये हथियार? हमारे साथी का खून इतना सस्ता नहीं है कि तुम आसानी से बाहर कर निकल जाओ। सरदार, ये हथियार मेरा था, लेकिन कुछ दिन पहले इस परदेसी बाबू ने मुझसे छीन लिया था। विश्वास ना हो तो पूछ लो कम्मू से। कम्मू, ना देवता की सौगंध, क्या जंगा सच कह रहा है? ये बकवास कर रहा है। अपनी हार का बदला लेने के लिए ये झूठी कहानी गढ़ रहा है। कम्मू, बोलती क्यों नहीं? चुप साधने का दूसरा हाथ हाँ होता है। सरदार, ये खून चारी बाबू ने ही किया है। बाबूजी, कई लोगों से ये खून तुमने नहीं किया है बाबूजी। चुप कर बेशरम, जंगा ले जाओ इसे। झिंगोरा, लड़की के लिए हम सबको मरवाना चाहते हो, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। चलो अंदर, चलो चलो अंदर। Thank you.
तांत्रिक ने मिलके किया है, इससे भला उन्हें क्या फायदा हो सकता है? बाबूजी, हमने अपने कानों से सुना था, चंगा तांत्रिक से कह रहा था कि माइकल साहब के हवेली में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है और तुम लोग उसे यहाँ से निकालने के लिए आए हो। पॉइसी, इसलिए वो दोनों मिलकर हम लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ बाबूजी, मुझे दोनों से बहुत डर लग रहा है। तुम इस तरह बाहर अकेले मत निकला करो। कम्मो, अब तो मौत से आंख में चोली खेलने की आदत हो गई है। जी, ऐसे नहीं बोलते। भगवान करे तुमको हमारी भी उम्र लग जाए। अभी तुम बोलो हम किधर किधर में जाएगा और क्या क्या करेगा। तुमको इधर दारू पिलाने का है, किचन में टाइम देने का है, लोगों को चाय पिलाने का है। आए, लेकिन मिस्टर चार्ली तुम अकेला किधर आया? तुम्हारे साथ वो एसिस्टेंट है ना? 36, 24, 36, मिस बिजली। मिस्टर दारू वाला, दारू पी के दंग करना नहीं मानता। अगर बिजली का नाम तुम्हारा अपनी जबान पर लाए ना, तुम्हारा दारू बंद। आई एम सॉरी मिस्टर चार्ली, तुम नाराज खाई के होता है। चलो कम ऑन,
हमारे लिए एक लार्ज पैक बना, लार्ज पैक। थैंक यू एंड नाउ वन स्मॉल वन फॉर माय फ्रेंड रंगून वाला। थैंक यू वाला, तुमको कैसा मालूम है? वन मोर स्मॉल फॉर योर डॉगी। अरे वाह चाली वाह, तुम तो कमाल का आदमी यार, आज मालूम बा। क्योंकि हमने तुमको ये छठी बार पिलाता है, सिक्स टाइम, पांच बार तुम पहले भी पी चुका है, अंडरस्टैंड मिस्टर दारूवाला? तुम ये बात भी संभालो, खुद भी पियो, अपने दोस्त रंगून वाले को भी पिलाओ और अपने डॉगी को भी चटाओ। और रहा बात कमाल के आदमी का, हम किसी कमाल को नहीं जानता और हम किसी का आदमी भी नहीं है, अंडरस्टैंड डिटली? अंडरस्टूड एंड चीयर्स टू देम मिस्टर चार्ल्स। चले तो तू हम सब लोगों का खून पी जाए। जबान को लगाम दे बना, वरना तू क्या कर लेगा? इल्जाम के लिए सबूत की जरूरत होती है मिस्टर दारूवाला। और ये रहा ये सबूत, ये सिगरेट का पैकेट जो इसी के बैग से निकला है। झूठ बोलता है, मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। नाम बड़ा भगवान का, सच कह रहा जाऊँ भैया? हाँ विजय, मैं इसे बरसों से जानता हूँ, ये सिगरेट पीता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी पैदा करके हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। वो कोई भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जान ले जॉनी कि फिरोज दारू वाला वो सांप है जो बगैर छेड़े किसी को नहीं जसता, और आज मुझ पर हाथ उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। Thank you.
की मौत की कहानी बता रहे हैं। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों उस तरह देख रही हो?